हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी जानते होंगे शोध गंगा के बारे में, ये हमें पता है, पर शोध गंगा और शोध गंगोत्री इनका काम क्या है, ये किस प्रकार से आपके लिए मददगार हो सकती हैं आपकी रिसर्च में, आपके पीएचडी के दौरान, और इनका किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, इस वीडियो में आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, शोध गंगा पोर्टल और ये शोध गंगोत्री जो है ये बहुत ही ज़्यादा खास है, इस लहजे से कि इस पर आप अपने सिनॉप्सिस या रिसर्च थीसिस को आप खुद से भी अपलोड करा सकते हैं। चोरी जो होती थी, पहले चोरी भी होती थी कि दूसरे की रिसर्च को थीसिस को चुरा लिया जाता था, तो ऐसे चोरी से बचने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। पर सारी थीसिस आपको अपलोडेड मिलेंगी, अब तो अनिवार्य कर दिया गया है अपलोड करना। और तो आप में से बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है कि सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, तो सबसे पहले शोध गंगोत्री की ऊपर ये आपको साइट दिख रही है, आप टाइप कीजिएगा शोध गंगोत्री सर्च कीजिएगा और ये ओरिजिनल साइट है। शोध गंगोत्री जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर सिनॉप्सिस की डिटेल्स होती हैं। शोध गंगोत्री रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस डिटेल्स सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल और पीएचडी प्रोग्राम विद एमआरएफ पीडीएफ एमेरिट्स फेलोशिप वगैरह। तो यहाँ पर सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल वगैरह जो आपको सबमिट करना होता है पीएचडी में एडमिशन के दौरान, वो यहाँ पर अपलोड करा सकते हैं, खुद से भी करा सकते हैं, खुद से कर भी सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे की जो सिनॉप्सिस है उसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो है, यहाँ से आप जिन यूनिवर्सिटी में कितनी सिनॉप्सिस अपलोडेड हैं उनका नंबर भी दे रखा है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आप उठा के उसका सिनॉप्सिस देख सकते हैं। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती हैं और इसमें थोड़ा सा सीखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कोई यूनिवर्सिटी उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ से पहली वाले उठा लेते हैं, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल तिबरीवाला यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे 3497 सिनॉप्सिस अपलोडेड हैं, तो इन्हीं में से देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ का नाम ने सर्च किया वो खुल गया, खाली आपको टिक करना होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च फॉर करके भी आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए हमें बॉटनी का देखना है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, तो यहाँ पे अब 15 सिनॉप्सिस हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी आपने टिक करके देख लेना है। ऐसे ही आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो आप चाहेंगे देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी अच्छे से सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप आ गए और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, अदरवाइज़ आप साइट में देख सकते हैं कि रिसेंट जो सबमिशन है, तो बॉटनी में जो सिनॉप्सिस अभी जो अपलोडेड हैं रिसेंटली, इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ब्रैसिका कंपेस्टरिस। ठीक है, तो इसका हम देख सकते हैं, अब यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई, अब इसको आप देख सकते हैं। टाइटल क्या था, इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ ब्रैसिका कंपेस्टरिस। तो रिसर्चर जो थे उनका नाम है बबली राजपूत, और गाइड जो थे उनका नाम है डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, और को गाइड जो थे डॉक्टर नवनीत शर्मा थे। अब्स्ट्रैक्ट न्यू लाइन है, रजिस्ट्रेशन डेट 2017 का है, और ये लैंग्वेज इंग्लिश में है। तो यहाँ पर आप टाइटल पेज का पीडीएफ अलग है, इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ऑब्जेक्टिव्स है, मेथोडोलॉजी वर्क प्लान है, रेफरेंस है, लास्ट में जो रेफरेंसेस हैं ये ज़रूरी होते हैं, इसको आप देख के पूरा कॉपी ना करें आप किसी की सिनॉप्सिस को, इसको देख के आप इसे सीखें कैसे टाइटल लिखा गया है और किस तरह से इसको आप डाउनलोड करके अपने से यूज करें। मैं आपको लॉन्ग वीडियो नहीं करूँगा, ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा शोध गंगा भी देख लेते हैं, ये जो सिनॉप्सिस है यहाँ से रिसर्च प्रपोजल है, सिनॉप्सिस को आप अच्छे से रीड करके खुद से तैयार कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कैसे सिनॉप्सिस बनाए, क्या आइडियाज, तो देख सकते हैं आप किस तरह से बनाया गया है, लास्ट में रेफरेंसेस दिए गए हैं। अब हम आ गए हैं शोध गंगा की वेबसाइट में, शोध गंगोत्री शोध गंगा दोनों सेम वेबसाइट्स हैं, और शोध गंगोत्री का काम हमने बता दिया। शोध गंगा पे यहाँ पे थीसिस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो थीसिस, सिनॉप्सिस और ये सब फेलोशिप रिपोर्ट्स जो हैं सबकी डिटेल्स यहाँ पे दी रखी हैं। सिनॉप्सिस आपको बता दें 8352 जो जिनमें से हमने आपको दिखाया डिटेल्स, ये आपको गंगोत्री पोर्टल पे मिलेंगी, और थीसिस जो है वो 33,03,333 हैं, और इनको जो है अगर आपको देखना है तो आप नीचे ऐसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ से आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, तो सोवाल यूनिवर्सिटी कर दीजिए, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटीज़ का आप चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ का देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे 1772 थीसिस अपलोडेड दिखा रही हैं, तो इसको खोल के
देखते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद खुल गया। अगर आपको कीवर्ड्स पता है, रिसर्च गाइड के नाम, अपलोड डेट, टाइटल वगैरह, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिपार्टमेंट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से नीचे जाइएगा, डिपार्टमेंट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जूलॉजी डिपार्टमेंट सर्च करना है, ठीक है, तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, हर डिपार्टमेंट है, हिंदी वगैरह सब, तो जूलॉजी आपको सर्च करना है, जूलॉजी डिपार्टमेंट टिक कर दीजिए। तो जब डिपार्टमेंट आप जूलॉजी आप खुल जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीसिस जो अपलोडेड हैं वो दिखेंगी। तो 29 नवंबर 2021 को अपलोडेड है लास्ट, तो ये जो है थीसिस, आप इसको टिक करेंगे तो खुल जाएगी। और ये 29 नवंबर को अपलोडेड जो है वो, इनका नाम है वर्मा निहारिका और गाइड हैं इनके सिंह केपी। कंप्लीटेड ईयर इनका 2020 है और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से हैं। उसके बाद है, आप यहाँ पर फाइल्स में क्या क्या है वो देख सकते हैं। मेन चीज़ होती है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी को आप बहुत नोट करके रखेंगे। अगर आप किसी की थीसिस से कुछ भी लिख रहे हैं, उनका कुछ भी पार्ट ले रहे हैं, तो बिब्लियोग्राफी को ध्यान दें कि उन्होंने कहाँ से रीड किया है और कहाँ से वो बनाए हुए हैं। पूरा पूरा आप कॉपी कर लेंगे तो पूछा जाएगा कि भैया आप ये लिए हैं तो आपने कहाँ से लिया, तो आप इनका नाम तो दे नहीं सकते कि आप कॉपी किए हैं। तो बिब्लियोग्राफी को आप अगर रखे रहेंगे अपने पास, तो आपको पता रहेगा कि मैटर कहाँ से उठाया गया। बिब्लियोग्राफी की जरूरी रीड करें अगर आप किसी से कुछ आइडियाज़ को अपने में कॉपी करना चाहते हैं, तो वैसे कॉपी ना करें तो ठीक है, आइडियाज़ आप लें और देख सकते हैं टाइटल का पीडीएफ किस तरह से है, सारी चीज़ें हैं थोड़ा, और चैप्टर वगैरह देख सकते हैं आप यहाँ से ओपन करके, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, आइटम्स इन शोध गंगा आर प्रोटेक्टेड बाई कॉपीराइट विद ऑल राइट्स रिजर्व्ड अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड, ठीक है। आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको, लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये सब कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, आप इसमें से कुछ चुरा नहीं सकते। इस तरह से शोध गंगा पोर्टल और शोध गंगोत्री का प्रयोग करते हैं। शोध गंगोत्री जो है वो सिनॉप्सिस में आपकी मदद कर सकती है और शोध गंगा थीसिस के लिए आपकी मदद कर सकती है, ठीक है। दोनों का अच्छा यूज़ है। किसी भी गाइडेंस के लिए आप अगर पीएचडी के लिए सोचेंगे कि कोई आपको गाइड कर सके, तो वो बड़ा मुश्किल है, इसलिए यूनिवर्सिटीज और यूजीसी रिसर्च गाइड प्रोवाइड कराती हैं। अगर इतना आसान होता तो सभी ना करते फिरते, इसीलिए ये पोर्टल आपकी बहुत मदद करेगा इसमें। तो ये रही चीज़ें, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।